दी गई। कुछ शरारती अनसरों वालों अज मेरे पर हमला किया गया। कुछ शरारती अनसरों वालों मेरे ते तेजधार हथियार, मेरे केस पुटे गए, मेरे लक दे विच गुझियां सट्टां मारियां गईयां। साडे नाल दुरव्यवहार करदा, साडे नाल जिहड़ी हैगी आ कमेटी मैंबरां नाल बुरा भला बोलदा आ, ललकारे मारदा वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। लड़ाई दीआं इह तस्वीरां जलंधर दे गुरद्वारा गुरमत प्रचार सभा गुरु नानक नगर भोगपुर दीआं ने, जिथे दो धिरां दा आपसी टकरा इन्ना वध गया कि हत्थों पाई तक हो गई ते इक दूजे दीआं दस्तारां तक ला दित्तियां। इस दौरान दोवें धिरां नूं सट्टां वी लगियां जो हस्पताल च जेरे इलाज ने। दस्सिआ जा रिहा कि गुरद्वारा साहिब दे मुख ग्रंथी सिंह नूं बदलण लई पिछले कुछ दिनों तो दोवें धिरां च विवाद चल रहा सी, ते जिसके कारण यह सारी वारदात वापरी है। इस संबंधी मुख ग्रंथी सिंह का कहना है कि पिछले दो महीने तो उसनू तनखाह नहीं दी गई, तो जब उस वालों तनखाह की मांग की गई तो इन्होंने वालों उसकी मारपीट की गई, तो दस्तार ला के केसा भी पुटिया गया, जिसलिए उस वालों इंसाफ की मांग की गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरप्रीत सिंह गुरद्वारा गुरमत प्रचार सभा भोगपुर विखे ग्रंथी सिंह की ड्यूटी निभा रहा, जिथे कि 2 साल मैनू हो गए ने। तो अज कुछ शरारती अनसरों वालों जब मैं तनखाह मंगी, 2 महीने हो गए मैंने तनखाह नहीं दी गई, कुछ शरारती अनसरों वालों अज मेरे पर हमला किया गया। तनखाह के मुद्दे मुख रखद जब मैं पूछा, कुछ शरारती अनसरों वालों मेरे ते तेजधार हथियार, मेरे केस पुटे गए, मेरे लक दे विच गुझियां सट्टां मारियां गईयां। ये जब मैं अपनी पग मेरी उतारी गई तो यह नहीं पता किन्ने मारियां, किहड़ा किहड़ा तेजधार हथियार मर गया, जिस कारण मेरे आ बहुत ज़्यादा टेंके लगे आ बांह ते, ते सख्त तो सख्त इन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए आ। भाई साहब भाई दलवीर सिंह, भाई गुरदीप सिंह, भाई सिमरनाथ सिंह, भाई हंसराज, भाई तरलोचन सिंह, बीबी बेअंत कौर, बीबी मनप्रीत कौर, तो भाई महेंद्र सिंह कलोनी वाले, ये सारे ही जिहड़े ने अज तो कुछ साल पहला मेरे नाल खुंझक रख रहे ने, क्योंकि खुंझक रखण दा जिहड़ा ये हैगा जिहड़ा डिसीजन है ये भाई दलवीर सिंह दी गोलक चों चोरी करदिआं जिहड़ा मुद्दा फड़िया गया सी उदों दी ये मेरे नाल खुंझक रखदे रहे ने। हाँ जी, वह भाई साहब भाई दलवीर सिंह रागी ने, गुरद्वारा साहब के मैंबर भी ने, पर जदों गोलक दे विच्चों चोरी करते फड़े गए इन्हों पुछण दे बावजूद ये मन्ने नहीं, मन्नण दे बावजूद लड़न डे पे, तां कि प्रधान साहब नूं भी कहिंदे ने आ जाओ साडे नाल जिथे मर्जी देख लो, हत्थी पैण दीआं गल्लां करदे रहे ने। पर कुछ अपने सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी गर्जा जिन्हां वालों ये राजीनामा भी किया गया कि चलो इहदा नबेड़ा किया जाए, पर इन्हां ने नबेड़े होने तो बाद उदों दी मेरे नाल खुंझक रख रहे ने। खुंझक रखने तो बाद मेरे नाल अज इन्हां ने यह असर किया है। देखो जी, पुलिस तो हजे कार्रवाई तो मैनू नहीं इन्ना पता, क्योंकि मैं सवेर का मैडिसिन खा के थोड़ा लम्मे पिया, क्योंकि मैनू बहुत इन्हां ने कुटिया जिस कारण मैनू हजे पता नहीं लग रहा। मैनू दवाई बहुत ज़्यादा बेहोशी वाली भी है जिस कारण मैं हजे उतावला नींद का, तो कार्रवाई इन्हां तो सख्त सख्त तो सख्त होनी चाहिए है, क्योंकि अजकल दे ग्रंथी सिंघां दी जिहड़ी इज्जत आ, तनखावां तां बहुत घट ने, वह बच्चे कित्थों पालण ने, जे बच्चे पालन का मुद्दा रख के तनखाह मंगदे ने ते हत्थी पैण दीआं गल्लां करदे ने, जिस दा इह सारा ही सारा जिन्नी भी वीडियो बनी है CCTV कैमरे दे विच कैद है। मैं सारियां सिख जथेबंदियां नूं समूह नगर निवासी जिन्नियां भी संगतां नूं बेनती करदा हाँ, जेकर तुसीं अपने ग्रंथी सिंह रागी सिंघां दी इज्जत बचाउणी है तां इह जिहड़े नरैणू महंत बैठे ने गुरद्वारे गोलकां ते कब्जा कर रहे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ? ਵਾਰਦਾਤ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰੰਜਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਵੀ ਆਓ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
क्या कि तुम मैनू कि तनखाह दी है, तो मैं उन्होंने ये कहा भी तनखाह का तैनू तुम हिसाब नहीं दिता। वो कहें जी हिसाब था फलाने देता। उस तो इन्होंने मैंने धक्के मारने शुरू कर दते, तो ये सारे जने कट्ठे हो के जेडे अटैक किया, तो मेरे जेडे नाल दे सहयोगी बंदे सके उन्होंने मैनू मदद की, तो इन्होंने भाई ने जी सिरी साहब कढ के मेरी सिर दे विच मारी आ। तो उस तो बाद होर विवाद वधदा गया, पुलिस साढ़े को आई और साढ़े बयान लैके चल गई हैगी। तो इतने असं आए सके, इतने असं अपना टाइम जोड़ा है वारदात हुई आ 8:30 to 9 के बीच वारदात शुरू हुई है, और जी असी तकरीबन इतने जी 9:45 जी है इतने असी पहुँच के तो अपना जो ट्रीटमेंट शुरू कर दिता, वो टाइम पूरा नोट किया गया है। तो साढ़े ना बिल्कुल इन्हें धक्केशाही की हैगी आ, ये जिन्ना भी कसूर हैगा ग्रंथी का आ, ये ग्रंथी को असी बदलना चाहते हैं, पर 3-4 जो मैंबर है सहयोगी आ जां पुराना जिहड़ा दलबाग सिंह आ वह सह देन डिया, तो वह पूरी हाँ जी बदलन वास्ते है साड़ी भी, ऐसी ग्रंथी संघ नूं नहीं रखना चाहते क्योंकि ये जिहड़े व्यवहार है कमेटी के बरखिलाफ है, तो असी इनू नहीं रखना चाहते। तो इस करके जिहड़ा ये धक्केशाही और बदमाशी दिखालदा कि मैं गुरदासपुर आया कि वड टक्को कर दूंगा मैं। गौरतलब है कि इस पूरे मामले कैमरे सामने पुलिस का कोई भी बयान तो नहीं आया, पर फोन से की गलबात दौरान भोगपुर थाने के अधिकारी का कहना है कि दोवें तरह का परचा कट दिता गया है, तो जो भी बनती कार्रवाई होगी उसनों अमल च लिया जाएगा। जेकर जोगा कि गुरुद्वारा साहब की हदूद अंदर इस तरह दो धिर का लड़ना कई सवाल खड़े करता है, इसलिए सिखां की सरमोर संस्था कही जाती श्रोमणी कमेटी को भी चाहिए कि अजिहे मामले च दखल अंदाजी दे के कार्रवाई करे, ताकि किसी पर गलत कानूनी कार्रवाई ना हो सके। जलंधर तो सिमरनजीत ढिल्लों, पंजाबी लोक चैनल।